पुत्र ने भी ऐसे ही घर के भेद जो है प्यार प्यार में अपने पति को बता दिया, तो उसको सही राह कभी मिली ही नहीं। आज भी उसकी बहन के दिखाए हुए रास्ते पर ही है। प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, खुद के ही खेतों में काम किया, आज वो भी बदनाम है। स्वागत है आपका अपने चैनल डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए लाइक भरपूर होने चाहिए, कमेंट इतने कम आ रहे हैं, तो बताओ मेरा दिल कैसे करेगा एपिसोड बनाने के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता मैं छुट्टियां वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन इतनी नहीं करती, लेकिन मेरा अब मन नहीं करता है, तो फिर मैंने कहा छुट्टियां कर लेनी चाहिए, तो कल की मैंने छुट्टी कर ली थी। आप लोगों ने मुझे याद किया या नहीं मुझे बताइए जरूर। वैसे तो किया ही होगा, क्योंकि मैंने इतना मिस किया आप लोगों को, आपके कमेंट्स को इतना मिस किया। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी अटकलें थी, बातें थी, इधर उधर के किस्से और कहानियाँ थी, है ना। लेकिन फिलहाल तो जो भी बातें चल रही थी उन सब से पर्दा उठ गया। पर्दा तो बहुत पहले ही उठ गया था। आप देखिए, हमेशा से ही ससुराल वालों को ही गलत ठहराया जाता है। कभी ना कभी तो लड़कियां भी तो गलत होती हैं, है ना, लेकिन ये चीज़ें जो है कोई समझता नहीं है। गलतियां दोनों ओर से ही होती हैं। यहाँ पर लड़के लड़की जो आजकल है वो छोटी उम्र में तो ब्याहे नहीं जाते। पहले समय में छोटी उम्र में लड़कियां लड़के ब्याहे जाते थे, फिर भी रिश्ते उनके बच्चे रहते थे, बहुत कम डाइवोर्स होते थे। अब तो मुझे लगता है अदालतें भरी रहती हैं। डाइवोर्स इतना मतलब प्रचलन में आ चुका है, ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, डाइवोर्स होना ज़रूरी हो गया। अगर मतलब किसी फैमिली में किसी का डिवोर्स नहीं ना होता तो कहते कि ओहो हमारे तो अब नज़र लगी, हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, एक डिवोर्स तो बनता है। बस यही वाला ट्रेंड समझ लो चल गया। तो ऐसे ही ट्रेंड के तहत चलते हुए यहाँ पर बात बनती हुई नज़र आती थी कि एक बार पुत्र जो है फिर भी चली जाएगी नन्नू के घर। ऐसा लगने लग गया था हम लोगों को, खुशी भी होने लग गई थी, लेकिन नहीं, उन सब खुशियों पर पानी फेरते हुए खुद ही जो है ना पुत्तन के और से रिश्तेदारी या कह दे कि खुद के ही सिबलिंग और कुछ स्पोर्टर ऐसे निकले हैं कि उन्होंने कहा पुत्तन तू नहीं जा सकती, तू हमारी जिंद, तू मेरी जान, तू यहीं रहेगी अब हमेशा हमारे साथ। तो उन्होंने उसका पत्ता कर दिया साफ, उसके सपनों पर फेर दिया पानी, और पुत्तन जो है आज उसको भी सोशल मीडिया के थ्रू ही इतनी लड़ाइयाँ जिस लड़की ने लड़ी थी, है ना, आज सोशल मीडिया के थ्रू ही उसको इतना बड़ा मैसेज भी मिल गया कि बस अब तुम अकेले ही खुश रहो, मैं भी तुम्हें वैसे ही खुश देखना चाहता हूँ जैसे तुम अपनी स्टोरियों में इंस्टा पर मुझे खुश देखना चाहती हो, बिल्कुल वैसे ही। चलो तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश, तुम भी खुश, अब ये दूरियाँ हमेशा के लिए बनी रहनी चाहिए। और नन्नू ने स्पेशल एक एपिसोड बनाया था जिसमें उसने बोला था डाइवोर्स तो होगा ही, है ना, तो वो चीज़ें उसने बता दी थी। लेकिन अब जो है पेपर भी ये सब चीज़ें फाइनल हो गई, तुम चाहती थी पुत्तन कि तुम्हारी ज़िंदगी में पेपर वाला पति हो, तो लो तुम्हारी विश वो उसने पूरी कर दी। हमेशा यही होता है कि कोशिश करनी चाहिए, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना कि सही है। चलिए उम्र छोटी कह दे तो, जैसे मैंने अभी बोला छोटी उम्र के बच्चे जो हैं शादियों हो जाती 20-21 साल की उम्र में, फिर भी निभा लेते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है, ये तो खैर आजकल की है नहीं, 90 की सदी की है ना, 80 और 90 का जोड़ है इनका। लेकिन आज की जो 2000 बाद की जो जनरेशन है ना, वो जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है ना बड़ों की बातों को, और इतने हाइपर होते हैं, देखने में वो कूल लगते हैं, अंदर ही अंदर उनके पता नहीं कौन से जलजले चलते रहते हैं। और बड़ी उम्र में शादियां होती हैं आजकल के बच्चों की, पढ़ाई लिखाई के समय में ही उनकी जो है आधी एज चली जाती है। पढ़ाई लिखाई में ही 23-24 साल में 25 साल में पढ़ाई ख़त्म होती है, फिर कोई जॉब वगैरह करनी होती है, तो ये समझ में आता है कि लड़कियां जो है आजकल घर का इतना काम सीख नहीं पाती हैं, घर को सहज करके कैसे चलते हैं वो चीज़ें नहीं वो समझ पाती हैं ना। लेकिन क्योंकि वो जॉब पर होती हैं और पढ़ाई करनी होती है उनको, है ना, कोई मुकाम हासिल करना होता है, तो ज़िंदगी भी वही होती है। तो यही कि मच्योर और जब ये बच्चे होते हैं तब इनकी शादियां होती हैं, लेकिन मच्योरिटी इनमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। ठीक है, अभी जैसे पुत्तन है 32-33 साल की, लेकिन स्टिल अभी तक 30 पर ही टिकी हुई है पिछले 4 साल से।
है ना। तो ऐसे ही झूठे अंक है, 32 साल की, लेकिन अभी 4 साल से आज भी वो 32 की ही है। इनकी उम्र नहीं बढ़ने वाली, तो उम्र पर हम बात नहीं करते हैं, यही कहते कि मच्योर नहीं हुए हैं ये लोग, है ना। नन्नो मच्योर था, 21 ईयर्स का था जब उसके फादर साहब चले गए। ये सारी चलो बातें आप लोगों को पता है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे मच्योर होने पर भी मतलब मच्योरिटी नहीं है उन लोगों में। घर कैसे खराब होते हैं, क्योंकि अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा समझदार समझते हैं। पति कहता मैं समझदार, पत्नी कहती मैं समझदार। यहाँ पर यही नहीं है कि एक बोल रहा है दूसरा चुप कर जाए, है ना। पहले समय में भी, आज के समय में भी पति जो है ना हमेशा 2-3 साल बड़े ही होते ही हैं, पति बड़े ही होते हैं, तो घर के कहते हैं कि हाँ ये बड़े हैं, तो शायद इनको बाहर दुनियादारी की ज़्यादा समझ है, वो चुप कर लेते हैं ना। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर नन्नू जो है, मैं नन्नू की बात नहीं कर रही हूँ, पहले तो मैं यही क्लियर कर दूँ आप लोगों के साथ। एक तो मैं एक छुट्टी क्या कर लेती हूँ, उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैं खुद ही भूलने लग जाती हूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि पति अगर मच्योर है, समझदार है, चीज़ें सारे रिश्तेदारी दुख सुख सबको साथ लेकर चल रहा है, तो आपको वहाँ पर चुप रहना चाहिए, चाहे वो नन्नू है चाहे नन्नू जैसे कोई और बच्चे भी हैं। आज की जनरेशन को ही ले ले, है ना, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, तो ऐसे ही पुत्र भी है। आज की जनरेशन की बेशक नहीं है, लेकिन हाइपर बहुत जल्दी हो जाती है वो भी, नन्नू भी, है ना। तो ये दोनों जो है ना बराबरी मुकाबला है भाई इनका, है ना। पुत्र नो डाउट आप लोगों के सामने बहुत अच्छी बनकर आती है, लेकिन ऐसी है नहीं, ऐसे खुद ही उसके सिबलिंग बोलते हैं, है ना। तो यही वो बात है कि एक चुप कर जाए, दूसरा बाद में जब वो उसका गुस्सा शांत हो जाए उस समय कहे कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर वही बात कि पुत्र ने सबके सामने आकर वो सारी चीज़ें कि हाँ मैं समझ गई हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, दुख समझ में आता है, अगर ये चीज़ें तुम समझ गई होती तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि अपने सपोर्टर्स को एक शटअप कॉल देती, चुप करवाती, जो तुमने नहीं करवाया, ठीक है। रिश्ता तुम्हें कभी जोड़ना ही नहीं था, 1% तुम्हें उम्मीद थी कि शायद मैं अपने बच्चे के लिए उस घर में सेक्रीफाइस कर लूँगी, कैसे भी रह लूँगी, लेकिन तुम्हें जो है बिग बॉस का ऑर्डर मिलता है जुठियंगा की ओर से कि चुप रहो, तुम जैसी हो वैसी रहो, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे का ज़्यादा पता होता है। माँ को पता है इसने मेरे साथ ही सारी उम्र रहना है, ये जाएगी भी तो 10 दिन के लिए जाएगी, वापस फिर इसको यहीं आना है, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है अपने घर की, अपने ससुराल की बातें जो हैं सारी अपनी बातें मायके में बताने की। तो फिर माँ भी जो है वो वाली सीख देती है ना कि देख तेरे पति को भी हम लोग कैसे नाक रगड़वाते हैं, है ना। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी अब ननु भी शेयर कर रहा है कि एक माँ ही जो है वो ही अपनी बिटिया को ऐसा समझाती है, कहती करती नजर आती है। तो वैसे ही जैसे ननु ने कभी अपनी बातें, है ना, प्यार प्यार में पुत्तन को बता दी, तो पुत्तन ने भी ऐसी ही कुछ बहुत सारी घर के भेद जो हैं प्यार प्यार में अपने पति को बता दी, ठीक है। और बातें सबकी सबको पता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी, जो कि बहुत ही गलत हुआ। एक फैमिली को जुड़ते हुए हमने यहाँ देखा, एक फैमिली को बिखरते हुए हमने यहाँ देखा। इससे आप लोगों को यही सीख मिलती है, कभी भी अपने रिश्तों की बातें अपने अपनों को भी ना बताना। आप लोगों में जो भी चल रहा है पहले कोशिश करो, निभाने की कोशिश करो, शांति से धैर्य से काम लो, ठीक है। वो चीज़ें नहीं अगर संभल पाती है तो सिर्फ माँ बाप से बढ़कर आपके लिए अपना कोई नहीं है। माँ बाप बाकी लोग किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से आपके साथ जुड़े होंगे, माँ बाप नहीं, ठीक है। उनको कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, तो माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तो माँ बाप से आप अपनी बात रखें, माँ बाप से वो बातचीत बताएं उनको कि हमारा ये दुख है। नन्नू की मम्मी को बहुत ही शातिर औरत, बहुत ही चालाक और धूर्त औरत कहा जाता है। कितनी जिन्होंने, मैंने भी ये शब्द बोले तो मुझे खुद ही गिल्टी फील हो रही है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अगर आप लोगों को नहीं बताती हूं तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा। इतनी सुलझी हुई समझदार वो औरत है, उन्होंने अपने घर को संभाला हुआ है, है ना। और जहां पर आप ये देखो, मैंने बात करी है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, अपना गोल है उनका कि हमें ये अचीव करना, उसके बाद वो शादी का सोचते हैं, पहले अपना फ्यूचर सेट करते हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। यहाँ पर 12 साल की उम्र में
पुत्र जो है हमने नहीं, हमें कुछ नहीं पता, ना ही हमने कोई गांव देहात से इनके पता करवाया। ये बातें झूठे अंका ने खुद अपनी सोशल मीडिया पर एक एपिसोड बनाकर बताई। 12 साल की उम्र में एक फ्रॉक पहने हुए वो बच्ची उसके मानस पटल पर, जो कि कच्ची उम्र की है, उनको उस चीज़ की समझ नहीं है। जब उसका गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलने का टाइम था, समय था, उस समय उसकी 16 साल की बहन जो है उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलवाने लेके जाया करती थी, ऐसा इसने बताया झूठे अंका ने। ठीक है, तो उसके दिमाग पर क्या असर होता होगा? तो उसको सही राह कभी मिली ही नहीं, तो वो आज भी उसी राह पर है, आज भी उसकी बहन के दिखाए हुए रास्ते पर ही है। कहीं ना कहीं नहीं, सही में सारा का सारा जो हाथ है वो झूठे अंका का ही है। इनके रिश्ते को तोड़ने जोड़ने में भी उसी का था, जल्दबाजी करके दिखाने में भी उसी का था। नहीं तो वो भी स्टोरी में ऐसी ऐसी एपिसोड ना बनाते कि हम ये कर लेंगे अंकल जी, हम वो कर लेंगे, है ना। तो ये इनको प्रॉब्लम नहीं थी, इनको पता था सोशल मीडिया पर हम ऐसे ड्रामे करेंगे, हम लोग ट्रेंड में आएंगे, ठीक है, हम डॉलर कमाएंगे। उस समय इनको जरूरत थी। आज झूठे अंका कहती ना हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटू सेटल हो चुका है, ठीक है, इसलिए झूठे अंका को जरूरत नहीं है। लेकिन जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद करी, जो एक बच्चे की माँ है ना, तो उसको तो जरूरत है ना अपने बच्चे को पालने के लिए, या फिर तुमने उसका भी कुछ ना कुछ और सोच रखा होगा। यहाँ पर झूठे अंका के ऊपर भी कई बार हमें तरस आता है कि मोटू इनको टाइम नहीं देता या कैसे, लेकिन ये खुद नन्नू की माँ को जो धूर्त कहा जाता है, जो कि पूजा पाठ वाली, अपने मतलब भगवान के अलावा और वो है और उनके बच्चे, ठीक है, इसके अलावा उनको दूसरा तीसरा बातें उनको नहीं आती हैं, है ना। लेकिन आप लोग देख सकते हो इधर पुत्तन की माता जी को भी, जिनके अभी तक फैशन ही नहीं ख़त्म होते। ठीक है, सपने पूरे करो, हर किस दिल की इच्छा होती है कि मुझे ये करना वो करना, वो करो, लेकिन ये भी ना हो कि सोशल मीडिया पर एक माँ को ही एक्सपोज करती हैं ये लड़कियाँ, ये बताती हैं हमारी माँ के ये सपने अधूरे थे, हमारी माँ के वो सपने अधूरे थे। आदमी मरने तब पर भी आ जाता है ना, सपने उसके तभी भी पूरे नहीं होते, एक सपना पूरा होगा उसका दूसरा सपना शुरू हो जाए। ठीक है, नन्नू की मम्मी को धूर्त कहते हो, जो अपने बच्चों को संभाल कर चली है, जिसने अपनी बेटिया का घर बसाया है, उनकी बिटिया एक वर्किंग वूमेन है, अपना घर भी संभाल रही है, रोज यहाँ पर तो नहीं आकर पड़ी रहती है ना, और उसने तो अपने बेटे को भी संभाला। उस समय तो हम भी ये कहते थे आंटी जी आप अपनी बहू के पूजा पाठ करो, आप अपनी बहू के ऊपर छोड़ दो सारा कुछ, है ना। यही कि नोट, पंजाबी में कहावत है, नोट पनाया था गया, मुंडा ब्याया था गया। अब आप देख लो इधर इसको ही, गुलाबचंद को कितनी टेक्निक है उसके दिमाग में, कितना टेक्निकल माइंड है उसका, कि उसको पता है किस ट्रिक के साथ चंपा को भेजना है। और ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, मेरी मौसी के साथ भी ऐसे हुआ था कि वो अपने मायके जाती थी, ठीक है, जाने की मेरे ननिहाल वो जाती थी, हम लोग सब लोग इकट्ठा होते थे गर्मी की छुट्टियों में। मेरी मासी और मुझ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 10 साल का फर्क है बस, बिल्कुल हम लोग बहनों जैसी हैं। वो बेचारी वहाँ जाती थी और वहाँ जाकर उसने अपनी पसंदीदा कपड़े लेने, ठीक है, और साथ में खाने पीने को तो जो भी वो सब कुछ देना, एक महीना उसने वहाँ रहकर आना, जो उसकी इच्छाएं होती थी वो सारी उसने वहाँ पूरी करनी। लेकिन ससुराल में आकर सिर्फ काम 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 काम, बस काम, कोई जेब खर्च नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन हाँ, पति थोड़ा बहुत दे रहे थे जेब खर्च, इतना भी जेब खर्च नहीं मिलता था उनको कि महीने के वो 2 सूट सिलवा लें, ठीक है। और यही कि काम, बस काम और काम। यहाँ तो इसको काम वाली जरूर मेड मिल गई है चंपा को, लेकिन पति का नाम लेना, ये कि उन्होंने मुझे पॉकेट मनी मिलती है, मुझे ये मिलता है वो मिलता है, अरे भैया पहले अपने इसको भाई को तो चुप करा लो, जो कहता है हमेशा तेरा पर्स तक खाली रहना, पर्स लेकर क्या फ़ायदा, है ना, पर्स लेकर क्या फ़ायदा जब वो रहने ही खाली है, जब उसमें कुछ रखना ही नहीं। ये जो होते ना भाई, इनको सब पता रहता है। अभी तो भाई वैसे ही बातें करे, भाई बहनों का आपसी प्यार है, कुछ भी बोल ले एक दूसरे को, लेकिन जब भाभियाँ आती ना बुरा जब लगता है, जब वो अपने ससुराल वाले उसको ऐसे ही जैसे अभी ट्रीट कर रहे हैं, अपनी बिटिया के लिए ये ले दे वो ले दे, अपनी बिटिया को अभी गर्मियों के कपड़े भी सिलवा के देंगे, सब करके देंगे, है ना। नो डाउट शॉपिंग तो ये गुलाबचंद भी करवा देता है ना। लेकिन आप लोग ये देखिए,
हर घर में कुछ ना कुछ रोज चाहिए होता है। क्या रोज गिलास चाहिए होते हैं, कप कटोरियाँ और ये क्रॉकरी डेली चाहिए होती है? डेली हमें पर्दे चेंज करने होते हैं, या साल में दो बार कर सकते हैं। लेकिन अभी 4 महीने हुए नहीं इसकी शादी को, कितने कर्टन मंगा चुकी हैं ये आप बताना मुझे। यहाँ पर ये वाले कर्टन, वो वाले कर्टन, ये वाली बेडशीट, वो वाली बेडशीट, यहाँ पर ये फूल रखे जाएंगे, यहाँ पर वो रखे जाएंगे, यहाँ ये खरीदारी में इतना पैसा, और आधे से ज़्यादा मायके वालों का लगा रखा है। अब ये जो है अपने नंदों को भी होना चाहिए ना, उनको कितना उनकी ये मदर इंडिया कुछ लेकर करके देती हैं। अभी जिस जो 22,000 का राशन डलवाया है वो किसके लिए डलवा कर छोड़ आई है? एक रिश्तेदारी ने बोला कि बेटी के घर थी तो चलो थोड़ा बहुत तो तुम करके आओगी या कैसे, तो वो भी सुना दिया सोशल मीडिया पर ये झूठी अंकार। अभी नन्नू ने जो भी है फाइनल तो दिखा ही दिया कि डाइवोर्स तो होकर ही रहेगा, जो खर्चा पानी है वो तो वो देगा, और बच्चे को मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, वो भी नन्नू मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बड़ा ही दुख होता है कि दोनों सेम प्रोफेशन में थे, दोनों जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, है ना, अच्छा मुकाम हासिल कर लेते, अपना एक पहचान बना लेते, अच्छी पहचान बनाते, जो कि एक बड़ी अभी बैड इमेज इनकी सेट हुई है, यहाँ पर एक अच्छी इमेज बनती इनकी यूट्यूब पर। फिलहाल तो बहुत ही बुरी इमेज बनी है। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर बड़ों को बड़ा बदनाम किया गया। मैं ऐसी एक फैमिली के लिए यहाँ पर बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को बदनाम किया है, चाहे वो करैक्टर को लेकर, मतलब इतनी ओल्ड एज लेडीज 60 के आसपास की है ना, जब 60 से अबव, मतलब चाहे वो करैक्टर को लेकर उनके, चाहे खान पीन को लेकर, चाहे बचपन की उनकी गरीबी को लेकर, या खुद की गरीबी को लेकर, स्ट्रगल नहीं गरीबी, स्ट्रगल वो होती है जो तुम लोगों ने करके, तुम्हारे पास कुछ नहीं था फिर भी तुम लोगों ने मेहनत करी, दूसरों के यहाँ काम किया और ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। मुझे कितना अच्छा फील हुआ जब मेरी मेड का जलंधर से फ़ोन आया, मुझे 4 साल हो गए यहाँ दिल्ली आए हुए, लेकिन मेरी मेड जो है वो जलंधर में 15 साल 16 साल वो मेरे घर काम करती रही, उनकी बेटियाँ 5-6 साल की थी जब छोटी छोटी कभी आती थी अपनी मम्मी के साथ। अब जब मैं यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ, जब उनकी लड़कियाँ 10th में थी, ठीक है, तो जब उसका मुझे अब कॉल आया 4 साल हो गए कि उसने बोला कि मेरी बेटी इंजीनियर बन गई, बीटेक कर लिया उसने, नहीं सॉरी प्लस टू में थी उनकी बेटी जब मैं यहाँ पर आई, तो उसने बीटेक कर लिया, वो इंजीनियर बन गई, कितनी खुशी की बात है। उनके पास कुछ नहीं था, जहाँ तक हो सका, मैं कोई ऐसे ही नहीं करती हूँ बात, ठीक है ना, मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये जरूर से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों से हो पाए कभी किसी को ऐसे देखो कि हाँ वो करने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप लोगों से हो पाए तो ना आप लोग जरूर से हेल्प करो किसी। तो जब उसका कॉल आया मुझे बड़ी ही खुशी हुई, मैं खुद उनको बहुत मिस करती हूँ, तो बड़ी खुशी हुई थी। अभी अगर ये कहती ना कि हमारे पास कुछ नहीं था फिर भी हम लोगों ने खुद ही से ऐसे काम किया और हम जिंदगी में आगे बढ़े और हमने ये मुकाम हासिल कर लिया, तो हम कहते कि स्ट्रगल करके ये लोग यहाँ तक पहुँचे, है ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। डी फार्मेसी के कभी सर्टिफिकेट दिखाए या कुछ किया, या केमिस्ट की शॉप खोली, डी फार्मेसी भी इसकी अधूरी, फार्मेसी भी कंप्लीट नहीं, ठीक है। और उसके बाद जी ये जो पुत्तन है, पुत्तन क्या स्कूल टीचर थी, स्कूल जाती आती थी, प्रॉपर एक अच्छी इसकी जॉब थी जहाँ ये अच्छा काम कर रही थी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी थोड़ी बहुत, इतनी कर ली कि कोई हमें शातिर दिमाग हासिल कर लिया जूठी अंका ने इतनी सी पढ़ाई करके, ओके। और उसके बाद यूट्यूब ऐसा सोशल मीडिया की लत लगा दी मोटू ने कि मेरी जान छोड़े और सोशल मीडिया की लत लग गई, और फिर यहाँ से जो वायरल हुए आप लोगों को बताया ये मैंने कि कैसे वायरल हुई थी। तो यही बात है कि करा कराया कुछ नहीं, कोई ओहदा कोई मुकाम हासिल नहीं किया, जिंदगी में आगे नहीं बढ़े, प्रॉपर्टी थी जायदाद थी, खुद के ही खेतों में काम किया, खुद के ही अन्न को उगाया और खुद ही वो अन्न खाया, कुछ बेच लिया, खुद साल भर के लिए स्टोर कर लिया, ठीक है। डिपेंड थे ये लोग लिक्विड मनी के लिए, तो उसके लिए मम्मी जी को फाइनली फिर जॉब मिल गई, जहाँ उससे पहले जो लिक्विड मनी के लिए ये लोग डिपेंड थे तो इनको मामा लोगों की ओर से, ननिहाल की ओर से आ जाता था इतना। तो
कि वो साथ बनते थे इनका, आज वो भी बदनाम है, आज उनसे भी रिश्ते टूटे हैं, आज इनकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही पट्टी बंधी हुई है। एक वायरल गर्ल, बड़ा पाव वाली है ना, उसको आप लोगों ने देखा कितना शातिर दिमाग उसने भी सेट रखा अपना, वायरल हो गई। वायरल हुई तो जी, वायरल होने के लिए उन्होंने पहले अपना अकाउंट बनाया, इंस्टा पर भी थी वो, यूट्यूब पर भी थी, शॉर्ट वीडियो अपलोड करती, साल डेढ़ साल की मेहनत करी, ठीक है, वहाँ से वायरल हुई, फिर पता लगा अच्छा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की जाएगी, फिर ज़्यादा वायरल होंगे, ये होगा वो होगा, आज वो तो सेलिब्रिटी बन गई अपनी एल्बम निकाल के, लेकिन ये खुद को सेलिब्रिटी समझने वाली इन्होंने अपनी फैमिली तबाह कर ली, अपने ही सिबलिंग को, अपने ही बड़ों को यहाँ पर बदनाम किया सोशल मीडिया पर, इन्होंने ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की, लोग इज्जत कमाते हैं, ये तो बदनाम से, कहते ना बद से बदनाम बुरा, ये इनके ऊपर कहावत फिट है। तो ये बातें कि इनको, इनके बड़े भी अपने ही सपने जो हैं वो साकार करने में लगे हैं, बच्चों के तो इन्होंने सपने क्या ही साकार करने, ठीक है, अपने सपनों के आगे कुछ नहीं समझती हैं, मेकअप लिपा पोती करेंगी बैठ जाएंगी, है ना, ये मन है कि मैं मेकअप करती, मैं शॉर्ट्स पहनती, मैं भी ये करती, मैं भी वो करती, माता जी आप अभी तक यही करती रही, लेकिन आप ये सोचो कि पहले मेरी बिटिया जो है उसका मैं कुछ कर दूं, उसका भी कोई घर बार बना दूं, मेरे बाद कोई तो हो उसको देखने वाला, भाई देखेगा, भाई खुद को तो देख ले, खुद की आज नहीं तो कल उसकी ज़िंदगी में भी एक दो बच्चे उसके आंगन में खेलते हुए नजर आएंगे, क्या वो अपनी बहन को देखेगा, ध्यान देगा, जहाँ उसके बच्चे ध्यान देंगे, बुआ जी बुआ जी, जितनी बुआ जी तुम लोग कर लेते हो ना उतने ही वो कर लेंगे उनको। और जुठियंका जो है कभी भी अपने ऊपर से उत्तम को कभी भी अपने ऊपर नहीं होने देगी कि हाँ मेरे से आगे निकल गई, तभी तो वो ना इधर की ना उधर की, अच्छी खासी उसकी अगर जॉब लगी थी छोटी मोटे आज स्कूल में, कल और अच्छी जॉब कर लेती, वो स्कूल टीचर बन जाती, बीएड कर लेती, तो आज भी कर सकती है, ट्यूशंस कर सकती है वो घर पे, है ना, करने को वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी लाइफ जो है खुद ही स्पॉइल करी है, खुद ही अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारी। आज पहली बार मैंने भी देखो कहावत बिल्कुल सही बोली है कि पैर पर कुल्हाड़ी मारी, नहीं तो हमेशा मेरे से भी गड़बड़ी हो जाता था। बहुत ही बुरा लगा इन सब लोगों को देखकर कि इन लोगों के रिश्ते ऐसे बिखरे, ऐसे बिखरे, और कोई बाहर वाले बिखेरेंगे जभी जभी आप इजाज़त दोगे, जभी आप लोगों के रिश्तों पर मतलब कोई ना कोई तो ऐसी घर की बातें जो कि कहते हैं ना बहुत पर्सनल थी, वो भी दूसरों तक जभी पहुंची ना, जब आप लोगों ने एंट्री करवाई, और खुद के ही सिबलिंग ने कैसे घर खराब किया, कैसे पुत्तन की लाइफ जो है जिंदगी एक मोड़ पर आकर रुक गई, एक दोराहे पर आकर रुक गई, जिसमें पुत्तन को भी नहीं पता मुझे इस रास्ते जाना है, मुझे उस रास्ते जाना, बस वो एपिसोड ही बनाती रह गई, वो बस उसी में रह गई कि एक सपना ये भी है इसका पुत्तन का कि बस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट खेलना, वही स्क्रिप्ट कब एक खुद स्क्रिप्ट बनकर रह गई पता ही नहीं लगा पुत्तन को। तो आप लोगों को तो यहाँ से यही सीख मिल सकती है कि नहीं, जो भी है सोशल मीडिया से दूरी उतनी बना के रखो कि आपके रिश्तों पर कभी भी सेंध ना लगे, ना कोई लगा सके। सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो आप हो, फैमिली को मत लाओ, ठीक है जी। और आप लोगों का अब क्या कहना, आपकी क्या राय है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।